स्टार प्लस पर जल्द ही नया शो आने वाला है जिसका नाम है चाशनी। इस शो का प्रोमो हाल ही में मेकर्स ने जारी भी किया है जिसमें दो बहनों की कहानी देखने को मिली। शो में लीड रोल में नजर आए हैं नागिन फिल्म एक्ट्रेस अमनदीप सिद्धू, एक्टर साई केतन राव और सृष्टि सेन। बता दें कि शो में साई केतन राव और अमनदीप की जोड़ी पहली बार जनता के सामने आने वाली है। बता दें कि साई केतन राव ने संदीप सिकंद के ही प्रोडक्शन में बने शो मेहंदी है रचने वाली शो से डेब्यू किया था जिसमें उनकी अपोजिट एक्ट्रेस शिवांगी खेडकर नजर आई थी। शो से ज्यादा लोगों ने शिवांगी और साई की जोड़ी को पसंद किया था। जनता भी लंबे वक्त से इस जोड़ी को टीवी पर देखने की मांग कर ही रही थी। लेकिन आपको बता दें कि चाशनी शो में साई और शिवांगी की जोड़ी बनती बनती रह गई। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेकर्स अमनदीप सिद्धू नहीं बल्कि शिवांगी को ही साई के अपोजिट इस शो में लेना चाहते थे। लेकिन आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण टीवी की ये हिट जोड़ी नहीं बन पाई, तो इसका खुलासा अब खुद शो के प्रोड्यूसर ने किया है। जी हां, इंडिया फोरम से खास बातचीत में शो के प्रोड्यूसर संदीप सिकंद ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। संदीप ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं इस शो के लिए साई और शिवांगी दोनों को लेकर आने के लिए बहुत बेताब था। जब शो प्री प्रोडक्शन में था तभी से मैं चाहता था कि वो ही इस शो में आए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहंदी है रचने वाले शो में दोनों को उतना मौका नहीं मिला था और शो 9 महीने में ही बंद हो गया था। मुझे लगा कि साई और शिवांगी ही चाशनी के लिए बेहतर चॉइस है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संदीप ने खुलासा किया कि आखिर क्यों शिवांगी इस शो को नहीं कर पाई। संदीप कहते हैं, जब मैंने साई को कहानी सुनाई तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और फिर से काम पर आने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन शिवांगी के पास दूसरे प्लान्स थे, वो दूसरे माध्यमों को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना चाहती हैं। मैंने उनके फैसले का सम्मान किया क्योंकि हर कोई ये तय करने का हकदार है कि वो क्या करना चाहता है। यहाँ तक कि चैनल भी दोनों को फिर से लीड के रूप में दोहराने के लिए खुश था। साई ने काम के लिए हाँ कहा और इसीलिए हमने चीजों को आगे बढ़ाया। वो दोनों मेरे बच्चों की तरह है। बस साफ है कि शिवांगी टीवी शो नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने इस शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और इस बड़े रोल का ऑफर फिर अमनदीप सिद्धू को मिला। जाहिर तौर पर शिवांगी और साई के फैंस इस बात को सुनकर थोड़े निराश तो जरूर हुए होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार साई और अमनदीप की नई जोड़ी उन्हें देखने को मिलेगी टीवी स्क्रीन पर चाशनी शो के जरिए। दोनों ही बेहतर कलाकार हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या साई शिवांगी की तरह साई और अमनदीप की जोड़ी को भी लोगों का वैसा ही प्यार मिलेगा।